हेलो अरुण, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बायो का क्लास, और बायो में जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, और अभी तक जो भी क्लासेस हो चुके हैं आपके, वो किसी भी सब्जेक्ट के भी हो, तो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर सारे क्लासेस को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में एक और सेशन करने वाले हैं, और इसमें भी ह्यूमन बायोलॉजी में भी बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगला क्वेश्चन है कि जनन नियंत्रक गोलियां में संश्लिष्ट है, यानी ये गर्भ निरोधक गोली का बात किया जा रहा है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां जो भी होते हैं उसमें से क्या क्या डाला हुआ होता है, उन गोलियों में क्या रहता है? उन गोलियों में हॉर्मोन्स होता है। ठीक है, क्या होता है? हॉर्मोन्स होता है जो भी गर्भ निरोधक गोली है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी होता है, तो मलेरिया का परजीवी इजी सा क्वेश्चन है, ये प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया का परजीवी है, और ये एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक रुधिर दाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ओ को, और एक्सेप्टर बोलते हैं ए बी को। अगला क्वेश्चन है कि जब कुछ प्रकार के हृदय रोग में हृदय की धड़कन बंद हो रही हो तब उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखो हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर क्या बोला जा रहा है कि जो हार्ट बीट है यानी हृदय का जो धड़कन है वो अगर बंद होने लगे तो क्या करना चाहिए? अगर सही समय पे डॉक्टर के पास आप पहुंच जाओ और डॉक्टर को ये पता चल जाए कि ये हृदय जो है ये धड़कने में असमर्थ हो रहा है, तब उसको कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। मैंने बताया होता पेसमेकर का काम क्या है, पेसमेकर का काम है जो हार्ट बीट है ठीक है उसको इनिशिएट करना, यानी धड़कना जो है वो इनिशिएट करना, वो काम है किसका? साइनोऑरिकुलर नोड या पेसमेकर का। ठीक है, तो अगर वो काम नहीं करने लगता है, ऐसे नोड काम नहीं करने लगता है, तो कृत्रिम पेसमेकर लगाकर उसके धड़कन को फिर से वापस चालू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पराग की सुग्राहिता, ठीक है, यानी संवेदनशीलता क्या कहलाती है? पराग की सुग्राहिता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाती है शुष्क घास ज्वर या हे फीवर। हे फीवर, हे फीवर क्या है? यह पराग की सुग्राहिता कहलाता है। यह एलर्जी का एक लक्षण है, और इसके संक्रमण से जो नाक वाला रास्ता है ठीक है, यहाँ पर पराग व धूल जम जाता है, और इसी कारण से ये क्या है, ये एक तरह का बीमारी है। ठीक है, तो पराग की सुग्राहिता या संवेदनशीलता क्या कहलाती है? ये हे फीवर कहलाती है या शुष्क घास ज्वर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष अगर किसी को हो गया है यानी हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? कौन सा रोग है जो कीड़ों के काटने से होता है? तो कौन सा रोग है वो? आसान सा क्वेश्चन है, वो रोग है मलेरिया। यहाँ पे देखो चार रोग दिया हुआ है आपको, ठीक है, आंत्र ज्वर, अलर्क यानी रेबीज और खसरा, अब इसमें से और मलेरिया, इसमें से चारों में से बस एक रोग आपको ये बताना है जो कीड़ों के काटने से होता है। तो क्लियर है ना, मलेरिया ही एक ऐसा है जो मच्छर के काटने से होता है, और सब तो आप जानते हो। ये जो आंत्र ज्वर है ठीक है, आंत्र ज्वर ये गंदा पानी पीने से होता है। रेबीज जो है, रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्तों के काटने से होता है, तो वो एक कीड़ा है नहीं। उसके बाद खसरा है, तो खसरा आप जानते हो कैसे होता है, ये तो जो कंटामिनेटेड एयर है उससे ये खसरा वगैरह होता है ठीक है, तो ये एयर से संबंधित हो गया। तो कीड़ा के काटने से एक ही मलेरिया आपके ऑप्शन में बचता है। अगला क्वेश्चन है कि वह विटामिन जो बहुत अस्थाई है और पकते समय तथा भंडारण करते करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन जो पकाने के समय में नष्ट हो जाता है, वो विटामिन कौन सा है? वह है विटामिन सी। विटामिन सी एक अस्थाई विटामिन है, और पकाते टाइम में ये नष्ट हो जाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेवार है? तो हेपेटाइटिस नाम ही जहां पे आए आपको ये ध्यान में रखना है कि लीवर से संबंधित है ठीक है, और अगर लीवर से संबंधित है तो यहाँ पे बीमारी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीलिया। तो हेपेटाइटिस बी जो है वह पीलिया या जॉन्डिस के लिए जिम्मेवार है
और जॉन्डिस में क्या होता है आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है, दिल की बीमारी का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त हो जाती है। तो दिल का वो बीमारी जिसमें जो ब्लड सप्लाई है वह इनसफिशियंट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंजाइना। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है एंजाइना, जिसमें ब्लड सप्लाई जो है वह अपर्याप्त हो जाता है। तो एंजाइना रोग आपको याद रखना है, एंजाइना रोग क्या है, इसमें रक्त पूर्ति आपूर्ति जो है वह अपर्याप्त हो जाती है और यह दिल का एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के अंदर स्थित श्वसनी के श्लेष्कला में श्लेष्कला के पदा यानी इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है। तो हिंदी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। तो फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्योल्स पाया जाता है, ये सारा चीज जो है ये सबका एक ही जो वर्ड है मैं बोल रहा हूँ वो है ब्रोंक्योल्स, ठीक है। तो फेफड़े के अंदर ब्रोंक्योल्स पाए जाते हैं और उस ब्रोंक्योल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए क्लियर है, हिंदी वालों ने भी अगर सुना भी होगा कहीं पे भी तो ये ब्रोंकाइटिस ही सुना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्वासनी साथे, ये श्वासनी सीथे होता है शायद, सोथे या सीथे इस तरह का यहाँ पे वर्ड होता है, श्वासनी सीथे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो श्वासनी सीथे ये उस रोग का नाम है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस बीमारी क्या है, जो ब्रोंक्योल्स है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्योल्स होता है वो अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए तो इसको हम लोग ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, सॉरी इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस या श्वासनी सीथे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोढ़ का उपचार, ये कोढ़ बीमारी कौन सा है, ये है कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लेप्रेसी बोलते हैं। तो लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किस मेडिसिन का यूज करते हैं, उस मेडिसिन का नाम है सेल्फोन। क्या है, सेल्फोन, ठीक है, सेल्फोन मेडिसिन का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो कोढ़ या लेप्रेसी के इलाज में। और कोढ़ या लेप्रेसी होता किससे है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये मैंने आपको बताया हुआ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण से कुष्ठ रोग होता है, इसलिए इसका नाम लेप्रेसी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आसान सा क्वेश्चन, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, किससे होता है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। डेंगू ज्वर यानी डेंगू फीवर ये एक वायरल डिसीज है, किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी भूख नहीं लगना, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी से कमी की निशानियां है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा बीमारी दिया हुआ है, इसमें से बस आप एक ही जानते हो वो है बेरी बेरी, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज इसलिए दिया गया है ना ताकि अगले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपने बुक में तो सिर्फ बेरी बेरी ही पढ़ा है। तो बेरी बेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यह विटामिन B1। तो यहाँ से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन इसके अलावे जो भी दिए हुए हैं ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, इस कारण से आपको उस पर ध्यान देना है। तो भूख नहीं लगना भी एक लक्षण हो सकता है B1 की कमी, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर होना, ठीक है, तो ये सब किस विटामिन का लक्षण है, किस विटामिन के कमी का लक्षण है, यह है विटामिन B1 के कमी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह मनुष्य कारक क्या है जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतुष्टि निर्धारित करता है। तो वह कारक क्या है, तो वह कारक है खून का pH, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतुष्टि निर्धारित करता है वह क्या है, वह है pH मान, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, इस चीज का निर्धारण कौन करता है, इस चीज का निर्धारण करता है रक्त का pH और जो वहां पे जो आंशिक दाब है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि हीमोग्लोबिन की संतुष्टि कौन करता है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा था कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलाया जाए, ठीक है, खून में जो है वो कितना हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन मिलाया जाए, इसका कौन फिक्सेशन कौन करता है, तो ये करता है खून का pH और दो चीज मैंने बोला, और क्या बोला,
वहाँ का जो आंशिक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो ये दोनों मिलके इस चीज का डिसीजन लेता है। अगला क्वेश्चन है, जीन का वर्तमान नाम बताने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो जीन का नामकरण किसने किया है, आप सभी जानते हो ये किया है, जोहानसन ने। जीन का जो वर्तमान नाम है यानी जीन है, वह जोहानसन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन कराने की सलाह दी जाती है। तो गाउट के रोगियों को, गाउट नामक एक बीमारी है जो जोड़ों के दर्द से संबंधित है, ठीक है, तो ऐसे बीमारी को, ऐसे बीमारी वाले इंसानों को कौन सा भोजन ग्रहण करने का सलाह दिया जाता है। ये एक दिया जाता है कम प्रोटीन वाला भोजन। ध्यान से इसको याद रखना कि अगर किसी को गाउट बीमारी है तो उसको ध्यान से रखना है उसको कम प्रोटीन वाला भोजन खाना है, ठीक है। इसमें होता क्या है गाउट बीमारी में, तो मैंने बताया ये जो जोड़ों का दर्द है उस दर्द से संबंधित है, ठीक है। जोड़ों के दर्द में जो अस्थि संधियां हैं, जो भी आपका ज्वाइंट्स है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेट्रिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है, ठीक है। और रोगी अगर प्रोटीन वाला भोजन कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो दर्द और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। इस कारण से सलाह दिया जाता है कि गाउट रोगियों वाले, एक आप जानते हो गठिया बीमारी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को कम प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन ए की कमी से होगा कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स के समूह के विटामिन नियासिन ए, आप नियासिन जानते हो, नियासिन, नियासिन ये विटामिन बी थ्री है, ठीक है। बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन या निकोटिनामाइड है, ठीक है। तो नियासिन ए का बात किया जा रहा है, नियासिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है पेलाग्रा, ठीक है। अगर नियासिन ए नहीं भी देता, सिर्फ नियासिन भी देता तो भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि पेलाग्रा बीमारी जो है वह नियासिन के कमी से होता है, और नियासिन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं विटामिन बी थ्री को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है दोनों टेबल में। तो पहला जो है वो है लैंगरहंस द्वीपिका, लैंगरहंस द्वीपिका, उसके बाद प्यूसिका ग्रंथि, उसके बाद अपटू ग्रंथि, उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि। अब आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन या क्या चीज है जो यहाँ से निकलता है या सिक्रेट होता है। तो लैंगरहंस द्वीप, आप जानते हो लैंगरहंस द्वीप किससे संबंधित है, ये संबंधित है पैनक्रियास से, और पेनक्रियास में एक पार्ट होता है लैंगरहंस द्वीप जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद है प्यूसिका ग्रंथि यानी प्यूस ग्रंथि, तो प्यूस ग्रंथि ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, क्लियर है। लैंगरहंस द्वीप ये क्या हो गया, इंसुलिन, प्यूसिका ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। उसके बाद अपटू ग्रंथि यानी थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो अपटू ग्रंथि किसका करता है, ये करता है कैल्सिटोनिन का, ठीक है। थायरोक्सिन तो आपने पढ़ा है, ठीक है, अब एक और पढ़ो कैल्सिटोनिन, ठीक है। इसको पैराथायरॉइड बोलते हैं, पैराथायरॉइड अपटू ग्रंथि जो है, यह अपटू ग्रंथि के साथ शायद थोड़ा सा और भी इसमें कुछ नाम आता है, ठीक है, हम मुझे हिंदी में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन पैराथायरॉइड ग्रंथि भी होता है, ठीक है, थायरॉइड ग्रंथि के पास, जो कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड ये करता है एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो, ठीक है, इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन इसको जनरली हम लोग जो पढ़ लेते हैं वो एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा दो, ठीक है, आप फिर से एक बार मैच करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तीन सूक्ष्म पोषक हैं, यानी हमारे हमारे लिए मनुष्य के लिए जो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मस्ट हैं वो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है। इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे कभी प्लांट्स के बारे में भी पूछा जाता है और कभी ह्यूमन के बारे में पूछा जाता है। जब हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तभी हम लोग उनका देख लेंगे, ठीक है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लिए कौन कौन से तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं। यह है तांबा, लोहा और आयोडीन। क्या है, तांबा, लोहा और आयोडीन, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मनुष्य के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है।
एपिलेप्सी यानी मिर्गी। अच्छा अभी एक क्वेश्चन कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था शायद मिर्गी से रिलेटेड, वहां पे मैंने उसको जॉ लॉक्ड बता दिया, तो वो शायद दांती होता है, ठीक है, एपिलेप्सी ही होता है मिर्गी का, आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, हो जाता है, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जो मिर्गी है उसी को एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। और ये बीमारी होता क्या है जनरली, देखो एपिलेप्सी या मिर्गी एक ऐसा बीमारी है ना जो आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित है, यानी जो नर्व्स होते हैं उसमें अचानक से बहुत हाई इंटेंसिटी, एक आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक है, वो फ्लो करने लगता है, जिसके कारण से बॉडी जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है और वो अलग अलग चीज़ों को एग्जिबिट करने लगता है, वो कुछ भी करने लगते हैं, कभी उसके साथ जनरली जो मिर्गी है उसके साथ दांती भी आता है, यानी जॉ लॉक जो है वो एपिलेप्सी के साथ साथ होने लगता है, ठीक है। तो ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हो इसमें से किससे संबंधित हो सकता है, त्वचा, हृदय, श्वसन संस्थान और नाड़ी संस्थान, तो ये नाड़ी संस्थान से संबंधित होगा, नर्व से ये जनरली संबंधित है, ठीक है। एपिलेप्सी एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, और ये नाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, ये सारा बीमारी संक्रामक तो है ही, यानी कंटेजियस तो है ही, ठीक है, संक्रामक यानी कंटेजियस, जो फैल सकता है दूसरों में भी एक इंसान से, तो सारा बीमारी कंटेजियस है, लेकिन सबसे कम कौन सा है, यह सबसे कम है विषाणु अपीलिया यानी वायरल जॉन्डिस, ठीक है। और सबसे अधिक अगर इसमें मैं बताऊं तो सबसे अधिक है टीबी, ठीक है, टीबी बहुत अधिक, बहुत कंटेजियस बीमारी है, और जो एक टीबी पेशेंट है उसके आसपास वाले अगर संभल के ना रहें तो उनको टीबी होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो एक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है इन चार में से, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। यह आपका मीजल्स, निमोनिया, छोटी चेचक और पीलिया। तो ये निमोनिया एक ऐसा डिसीज है जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया के कारण जनरली जो है निमोनिया बीमारी होता है, और ये हवा के द्वारा ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कभी अगर पूछ लिया जाता है। मेनली जो निमोनिया के शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, कल फिर से मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक तो जरूर कर ही सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर क्लासेस कंटिन्यू आप रखना चाहते हो, क्योंकि ज़रूरत इन सारी चीज़ों की आपको है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो चीज़ आपको मिल सके या ना मिल सके, एक दिन में कितना क्लास मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो अल्टीमेटली आप खुद होते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि मुझे, देखो कोई भी काम आपके लिए अगर कोई करता है ना, तो उसको जब आप अप्रिसिएट करते हो तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोई भी चीज़ें पहुँचे और वो सब बेनिफिटेड हो, तो उससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और आगे कंटिन्यू करते रहो, सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखो, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।